बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रुमान कलेक्शन में खुश आमदीद। आज हम आपको खूबसूरत सा लहंगा और उसकी कटिंग, शर्ट की कटिंग करना बताएंगे। हमारे पास ये कपड़ा है, तकरीबन ये 1.5 मीटर मेरे पास कपड़ा है और अर्ज़ में भी ये 1.5 मीटर ही है। तकरीबन 54 इसकी चौड़ाई है और 54 ही इसकी लंबाई है। ये बड़े अर्ज़ का कपड़ा है, डबल शेड में ये कपड़ा है। बड़ा ही खूबसूरत ये कपड़ा है। ये देखिए इसकी चौड़ाई मेरे पास, मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। इसमें तकरीबन ये मेरे पास डबल में 27 आ रही है और इसको इसकी चौड़ाई भी हम देख लेते हैं। यहाँ से हम इसको देखेंगे तो ये डबल में मेरे पास इस वक्त है तो ये तकरीबन 27 आ रही है। यहाँ से ये चीज़ यहाँ से 27 आ रही है तो खोलूँगी तो ये 54 हो जाएगी। मेरे पास 54 इसकी चौड़ाई है और 27 मैं इसकी लेंथ लूँगी डबल में, फ्रंट और बैक की। फ्रंट की भी यानी 27 लूँगी और बैक की भी मैं 27 इसमें लूँगी। तो इसमें हम बॉक्स प्लीट्स के साथ लहंगा बनाएंगे 5 से 6 साल की बेबी के लिए। तो चले चल के देखते हैं कि इसको किस अंदाज में करना है। इस तरीके से देखिए मैंने ये निशान लगा लिए हैं किनारे पे। 3 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है और हर 1 इंच के फासले से हमने इसमें 1.5 इंच का ये मार्जिन लिया, यानी टोटल हमारी जो प्लीट्स आएगी वो 3 इंच की आएगी। इस तरीके से पहला 1 इंच हम छोड़ देंगे, ये जो हमने 3 इंच ली है इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे 1.5 इंच पे और इसको बराबर करके इसको हम पिनअप कर लेंगे इस अंदाज में। इसको हम सबसे पहले पिन कर लेंगे, ये 1.5 इंच हमारा फोल्ड हो गया, यानी टोटल हमारे पास 3 इंच है। इसलिए से फिर 1 इंच हमने ये छोड़ दिया और उसके बाद देखिए 3 इंच है, इसको फोल्ड करेंगे तो ये 1.5 इंच पे आएगा हमारे पास, 1.5 पे इसको हमने यहाँ से पिन कर लिया। ये चीज़ इसी तरीके से हमने ये सारा कर लेना है और फिर उसके बाद हमने यहाँ से सिलाई लेनी है यहाँ तक और दूसरी सिलाई उसी हिसाब से। ये इसी तरीके से हमने इसकी बॉक्स फिट्स कंप्लीट कर लेनी है। ये 3 इंच इसकी लेंथ है और 3 इंच इसकी हमने चौड़ाई ली है। फोल्ड करेंगे तो ये 1.5 आ जाएगी हमारे पास। इस तरीके से हम पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें 1 इंच छोड़ के हम इसमें सिलाई लगाएंगे 3 इंच की। ये 3 इंच पे हमारी सिलाई आ गई, फिर हमने 1 इंच छोड़ दिया और 3 इंच पे हमारे पास ये सिलाई आ गई है और इसको फोल्ड किया। इसी तरीके से हमने इसकी सारी ही प्लीट्स कंप्लीट कर लेनी है। अभी हम आपको इसमें कंप्लीट करके दिखा। ये देखिए हमने इसमें पिनअप कर लिया है। ये चीज़ ये फ्रंट से मेरे पास इस अंदाज में आ रही है। अभी मैंने सिर्फ पिन किया है, इसको मैं सिलाई करूँगी और इसको फिर सिलाई करने के बाद यहाँ से इसको हम यूं करके फोल्ड कर लेंगे इस अंदाज में। हमारे पास ये बॉक्स आ जाएगी। मैं 3 इंच पे इसको सिलाई करूँगी। सिलाई करने के बाद ये देखिए मैं अभी आपको बता देती हूँ कि ये मेरा कितना आ रहा है। ये तकरीबन देखिए 14 इंच मेरे पास आ रहा है। इसमें सिलाई का हक है तो मेरा तकरीबन टोटल राउंड जो है 25 से 26 इंच मैं ले लूँगी इसमें कमर की चौड़ाई और बाकी इसमें आधा आधा ही दोनों तरफ सिलाई का हक हो जाएगा। तो ये मेरा पूरा आ रहा है। मैंने इसको 54 चौड़ाई ली है और हर 1 इंच के बाद 3 इंच की प्लीट्स ली है, यानी फोल्ड करूँगी तो ये 1.5 इंच मेरे पास आ जाएगी और 3 इंच लंबाई इसकी मैंने ली है। ये चीज़ हो गई। इसमें मैं बेल्ट लगाना है मुझे तो मैं उसको भी रेडी कर लेती हूँ इस अंदाज में। 1.5 इंच की मैंने ये ली है, फ्यूजिंग ली है और इसको मैंने चिपका ली है आधा इंच छोड़ के। और इस तरफ मैंने कपड़ा कितना छोड़ा है ये देखिए, इसको फोल्ड कर लूँगी और इसमें मैं जब इसको फोल्ड करूँगी तो ये तकरीबन आधे इंच से थोड़ा सा कम होगा मेरे पास। सिलाई का जो मार्जिन मैंने लिया है ये वो होगा और इसकी लंबाई मेरे पास तकरीबन देखिए
25 मुझे ये रेडी चाहिए। हमने ये कपड़े के कमर के हिसाब से बेल्ट रेडी कर लिया है। ये हमारे पास बेल्ट रेडी है, ये भी हमारे पास रेडी है। हमने इसकी एक साइड की स्लाइस को हमने ज्वाइन कर लिया है आपस में, और ये हमारे पास टोटल इसकी ये खूबसूरती से हमारा ये इतना बन गया है। अब इसमें हमने क्या करना है, बेल्ट लगाने से पहले हमने इसमें अस्तर नीचे लाइनिंग इसमें लगानी है। लाइनिंग लगाने से इसकी लुक थोड़ी सी और प्यारी हो जाएगी, ये पहने हुए बहुत खूबसूरत लगेगा। इसके मुताबिक हम इसको कटिंग कर लेंगे। सिर्फ इसकी लेंथ हम जितनी इसकी लंबाई है इसकी 4 इंच हम कम रखेंगे लंबाई। इसके साथ इसको ज्वाइन करने के बाद ये देखिए यहाँ से इसको मैं ये ज्वाइन कर लूँगी, और ज्वाइन करने के बाद हम इसमें ये काम करेंगे। ये चीज़ डिफरेंट है, तो हम यहाँ से इसको बेल्ट लगाएंगे ये चीज़। लेकिन मैं इसकी भी साइड, इसको ज्वाइन करने के बाद इसकी साइड की सिलाई कर लूँगी जो एक रह गई है, उसके बाद मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करूँगी। सिलाई करने के बाद फिर इसको इसके अंदर करेंगे सारा, और फ्रंट में हमारे पास ये खूबसूरती से हमारे पास यहाँ एक सिलाई से ये कवर हो जाएगा। अभी हम आपको इसको करके बताते हैं कि किस तरीके से होगा।